वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़े दिनों से क्लास नहीं आ पाई, फेस्टिवल सीजन थे, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। नवरात्रे थे, फिर उसके बाद में रामनवमी, और फिर उसके बाद में क्या हमारा दशहरा, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग जो अपने स्टार्ट करने वाले टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब क्या है, हम लोग आज की क्लास में अपने देखेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, और इसकी थ्योरीज क्या क्या हैं, और इसमें मतलब हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। विद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तो आप लोग इसमें ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करें अपना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कॉमर्स एक्सेस वालों ने आप लोगों के लिए JSOW के लिए बिल्कुल एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और इंग्लिश का भी है, मेन्स के लिए, CGL के लिए। क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी डिफाइंस द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, देयर आर मैनी रियल सिचुएशंस इन विच वी मे। चलो ठीक है, पहले थ्योरी छोड़ो, पहले मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज बारिश होगी, ठीक है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, किसमें, गर्मी में, मतलब मई जून का सीजन है, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इसमें मैंने पूछा आज बारिश होगी, भाई कितना कितना लगता है तुम्हें बारिश की, अपने से 0% चांसेस हैं, ठीक है। आपने ये बोला कि होगी ही नहीं, नहीं आप क्या बोलोगे कि 0% चांसेस हैं। और अगर मैं जुलाई में बोल दूँ कि भैया आज बारिश होगी, आप बोलोगे हाँ 100% चांसेस होगी ही होगी भैया। हाँ, और अगर मैं पूछा आपसे सर्दियों में जैसे दिसंबर के टाइम पे कि बारिश होगी, तो आप क्या बोलोगे कि 20% चांसेस हैं। तो ये जो 20% है, 0% है, 100% है, ये मतलब क्या है, कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये आपने कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया कोई सी चीज़ को, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो हम अपना प्रिडिक्ट करते हैं, या हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बस अपने एक संकल्पना कर लेते हैं कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा होगा, ठीक है। अभी हमारी अकरेंसेस की होने की चांसेस हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग प्रोबेबिलिटी अपनी बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन को देखते हैं, आप ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी डिफाइंस द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, लाइकलीहुड की मतलब ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। There are many real life situations in which we may have to predict the outcome of an event. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे real life में ऐसी situations आती हैं जब हम लोग क्या करते हैं, अपने outcome को क्या करते हैं, predict करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने outcomes को predict करते हैं, तो उस time पे हमारी जो जो बनता है, मतलब जो हमारी situation जो बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने probability बोलते हैं। We may be sure or not sure of the results of an event. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि 0% चांसेस हैं होने की, 20% चांसेस होने की, क्योंकि हम लोग श्योर भी हैं और नहीं भी श्योर है, मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इस वाले रिजल्ट्स में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जनरली हैज ग्रेट एप्लीकेशंस इन गेम्स। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन होती है गेम्स में आती है, बिजनेसिस में आती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेक प्रेडिक्शंस एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी हैज एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस इन दिस न्यू एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम बात करते हैं किसके, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उस टाइम पे तो भैया हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फील्ड जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स तक तो अब डिफाइंड नहीं रह गया है, जो कि एक टाइम तक था। आजकल इसका जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, मतलब इतना वास्ट फील्ड है कि हम लोगों को तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ में घुस गई है आजकल, हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ में, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। आपने डेफिनेशन तो बता दी, बट प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, किसकी, स्टैटिस्टिशियन के तरीके से अगर हम देखें, ये तो क्योंकि एक जनरल आदमी जो था वो क्या सोचता है। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि हमारा जो स्टैटिस्टिशियन है वो क्या सोचता है। प्रोबेबिलिटी कैन बी, हाईलाइट करते जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो ये जो चीज़ होती है ना हमारी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्या, रेशियो किसका, फेवरेबल आउटकम्स का, और जितने भी हमारे क्या हुए हैं, जितने भी हमारा इवेंट हुआ है, किसका इवेंट्स, उसका किसका आउटकम्स का, ठीक है। कैसे से ये मतलब क्या हुआ, अभी बताता हूँ। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैन बी डिनोटेड बाई एक्स, ठीक है। हम लोग फेवरेबल आउटकम्स को किससे, एक्स से डिनोट कर सकते हैं, बड़ा एक्स, छोटा एक्स, जो कुछ आपको लेना। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एस, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी का हम लोग कई बार आपने देखोगे यहाँ पे ई लिखा जाता है, पी ई इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, एन। एन क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और एक्स क्या होता है हमारा, जो क्या होता है हमारे, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब होने के चांसेस, और नीचे क्या होगा हमारा, पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारी बारिश होने के चांसेस कितने हैं, तो आपने बोला 20% चांसेस है, तो ये क्या हो गया हमारा, होने के तो चांसेस कितने हैं, टोटल कितनी बात है भाई, 100 बार हो सकता है, 100% मतलब कि हो सकती है, ठीक है। और 20% मतलब कि आपने 20% अनुमान लगाया, तो अगर हम बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1.5, और 1.5 को हम लोग 0.20 करके लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये चीज समझ में आती है? हाँ, ये तो इजी सी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपने। तो अब हमारे जैसे कि सिलेबस में दिया गया व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपसे पूछा गया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखो, मतलब क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट और आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ अ प्रीवियस इवेंट और आउटकम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अगर रेन रेन का जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल था। कैसे, हमको पता है कि जुलाई के सीजन में ये हमारा रेनी सीजन है, मतलब कि इस समय पे बारिश होती होती है, तो हमने बोल दिया ठीक है आज के टाइम पे तो 100% बारिश होगी ही होगी। ठीक है, हमको पता लगा कि मई जून में जनरली हमारी बारिश नहीं होती, तो हमने बोला कि आज 0% चांसेस हैं बारिश होने के। मैंने बोला दिसंबर के समय पर, दिसंबर में कई बार बारिश हो जाती, तो आपने बोल दिया 20%। तो ये हमको कैसे पता लगा था, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछले साल भी इसमें बारिश हुई थी, उससे पिछले साल भी बारिश हुई थी, उससे पिछले साल भी बारिश हुई थी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले, तो मतलब एक प्रीवियस एक इवेंट्स हैं, प्रीवियस इवेंट्स हैं जो कैसे हर साल होते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हम लोग प्रिडिक्ट अपने क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डाटा को, हाँ ठीक है भैया कि हाँ हो सकते हैं कि इस साल बारिश हो जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्रीसीडिंग इवेंट ऑफ बाय बाय द अपडेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सीडिंग और कंडीशनल डाटा। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो, इवेंट ए इज दैट एन इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर द कॉलेज विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इवेंट ए क्या है हमारा, कि कोई भी एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, कॉलेज में अप्लाई कर रहा है और उसका एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। उसके चांसेस कितने हैं, 80% है। देयर इज एन 80% चांस दैट दिस इंडिविजुअल विल बी एक्सेप्टेड टू कॉलेज। ठीक है, इवेंट बी, अब एक तो हो गया इवेंट ए, एक क्या होता है हमारा इवेंट बी। इवेंट बी क्या बोलता है हमारा, इज दैट दिस इंडिविजुअल विल बी गिवन डोरमेटरी हाउसिंग, डोरमेटरी हाउसिंग विल बी ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर 60% ऑफ ऑल द एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको कंडीशन दी गई कि आपके यहाँ पे सेलेक्ट होने की चांसेस ही पहली बात तो 80% है, तो 80% का मतलब क्या होता है, बाय 100 तो 0.80 हो गया। ठीक है, और अगर आपको वहाँ पे मतलब डॉर्मेटरी हाउसिंग या फिर हॉस्टल वगैरह चाहिए, तो उसके चांसेस ये हैं कि आप जब जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उसके 60% सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो 60% का हमारे 0.60 होता है। हाँ, तो अब हमारी टोटल जो एक्सेप्टेड जो डॉर्मेटरी हाउसिंग जो होगा, मतलब टोटल एक्सेप्टेड भी और डॉर्मेटरी हाउसिंग के लिए भी जो एक्सेप्ट हुई है जितनी हमारी कंडीशन, वो चीज़ें हमारी कितनी हो जाएगी टोटल इसमें, तो टोटल इवेंट्स इसमें हो जाएंगे हमारे 0.60 × 0.80, तो ये हो जाएगा हमारे 0.48। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अब आपको, हाँ, कि ये चीज़ हमारी कैसे निकाली जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए किसका, हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस में आपको दो दो कंडीशंस दी जाएंगी, एक होगा हमारा इवेंट है, एक होगा हमारा इवेंट भी, और आपको इसमें पढ़ के पता लग जाएगा कि हाँ भैया इसमें हमारे जो हमारी थी यही कंडीशन, कौन सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी वो चीज़ लगेगी, तो हम लोग उन दोनों को इंटू कर देंगे बस, और हमारी इससे आ जाएगी फॉर्मूला। हाँ, आगे देखते हैं इसको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द चांसेस दैट सम आउटकम्स अकर्स गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑल्सो अकर्ड। ठीक है, ये हमारी ये बात बोलती है कि जब हमारा जुलाई का महीना होगा तब ही हमारा रेनी सीजन आएगा, ऐसा नहीं ना कि जनवरी की मतलब महीने में हमारा रेनी सीजन आ गया। ठीक है, तो ये यही चीज़ है कि जब हमारी कोई भी एक आउटकम होगा, क्योंकि हमारा दूसरा आउटकम इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब एक आउटकम होगा तो दूसरा आउटकम उसके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। इट इज ऑफन स्टेटेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड इज रिटर्न एज पी बी ए। ठीक है, ये इस तरीके से लिखी जाती है, वेयर द प्रोबेबिलिटी बी डिपेंड्स ऑन दैट ऑफ ए हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी बी जो है वो किसके हैपनिंग पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ए के। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना कि यहाँ आगे जो लिखी जाएगी उसके हैपनिंग पे जो भी, मतलब वो चीज़ डिपेंड करेगी किसके, पीछे वाले के हैपनिंग पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, पी बी ए। ठीक है, पी बी ए, इससे तो मुझे अपने उसका याद आ गया, क्या क्या चीज़ याद आ गई मुझे, एक चीज़ याद आ गई, मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री को याद करता था, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं याद करता था तो मैं ए बी पी एक फार्मूला बना रखा था, मतलब पी बी ए एक फार्मूला बना रखा था, पता है किस चीज़ का, पी बैटल ऑफ प्लासी, बी बैटल ऑफ बक्सर्स एंड ए अलाहाबाद ट्रीटी। तो ये हुई थी हमारी सिराजुद्दौला, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, कन्फ्यूज नहीं है ना, बट एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर मतलब फ्यूचर में आप लोग पेपर देने जाओ तो आप लोग इससे याद कर सकते। देखो, प्लासी जो है हमारा, ये हुई थी हमारी अंग्रेज जिस समय पे रॉबर्ट क्लाइव एंड हमारा कौन था, सिराजुद्दौला था उसके बीच में। ठीक है,
तो ये हमारा पी बी ए इस तरीके से हुई थी, ये हमारी हुई थी 64 में, ना ये हुई थी हमारी 54 में, और ये होता है हमारे 64 में, ये होता है हमारे 65 में। चलो डेट तो मैं भूल गया, डेट याद नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बता दूँ, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, तो ये ऐसे सीक्वेंस में कई बार पूछा जाता था एग्जाम्स में, तो मैंने इस तरीके से एक सीक्वेंस अपना बनाया था पी बी ए, तो आज वो मतलब इतिहास दोहरा गया। ठीक है, तो आप लोग भी याद कर लेना अपने दूसरे एग्जाम्स के लिए, कभी देते हो फ्यूचर में तो पी बी ए याद रखना, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन बी कॉन्ट्रेस्टेड विथ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी कॉन्ट्रेस्ट कर सकती है किसी के साथ में, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ में। चलो आगे सिलेबस में आपसे पूछा होता है कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन करनी है, तो हमने मैंने डाला हुआ है व्हाट इज कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या? तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी जो होती है, ये कहेंगे अगर हम कि ये हमारी जो थी ऊपर वाली जो थी हमारी प्रोबेबिलिटी, उसका क्या है, उसका एक नया रूप है या फिर उसका एक विस्तृत रूप है, ठीक है। क्या कहता है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल टर्म रिलेटिंग टू द लाइकलीनेस और ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग, इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो क्या था हमारा, डिपेंडेंट था, है ना, ऊपर वाले में याद होगा आपको, मैंने अभी आपको बताया था कहाँ गया। हाँ, कंडीशनल में क्या था हमारा, देखो इसमें कहीं लिखा हुआ था ना डिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे नहीं सर, नीचे, हाँ ये लिखा होता है ना, कि मतलब कि वो डिपेंड है कि एक जब आउटकम होगा तब ही दूसरा इवेंट जो होगा वो उसमें प्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये वाला जो है सॉरी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, ये कैसी है, ये हमारी इंडिपेंडेंट है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला इवेंट होगा तभी ये वाला इवेंट होगा, नहीं ये वाला इवेंट हो सकता अपना और ये वाला भी इवेंट हो सकता है। क्या कहता है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट। ये कहता है कि आप फर्स्ट इवेंट को और सेकेंड इवेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज आर यूज बाय इंश्योरेंस अंडरराइटर्स टू असेस रिस्क एंड असाइन प्रीमियम्स टू वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा ज्यादातर किसमें, इंश्योरेंस में यूज होता है। देखो मैं आपको बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से ही सब्जेक्ट ना रह करके इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया है कि आज हर एक फील्ड में यूज होता है, मतलब कि हर एक जगह इसको यूज किया जाता है और हर एक उसमें इसको यूज किया जाता है, ताकि मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का क्या हो सके, एक विस्तृत रूप और एक अच्छा एक रूप क्या हो, कि मतलब सबके सामने निकल के आ जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला। द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इज फ्लिपिंग अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होगा हमारा, कि हम लोग कॉइन को किस तरीके से फ्लिप करते हैं। देखो आपने कॉइन को फ्लिप किया, मतलब कि आपने सिक्के को उछाला, ठीक है। हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बाकी और कोई चांसेस हैं क्या उसके अंदर, खड़ा होने के चांसेस कम है, या फिर अगर हम बोलें कि गब्बर वाला जो था, मतलब कि कौन सी मूवी थी वो, शोले जो थी, उसका वाला सिक्का होने की चांसेस कम है, क्योंकि हम लोग इसमें फेयर एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में वही वाला लिया जाता है जिसमें एक साइड पे हेड हो और एक साइड पे टेल हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब हम किसी भी अपने सिक्के को उछालते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चांसेस जो है क्या हेड आने की, वो कितनी होती है, 50% होती है। देन द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड्स ट्वाइस इन अ रो वुड बी 50 into 50, मतलब कि देखो आपने एक बार सिक्का उछाला हेड आया, दूसरी बार आपने फिर से सिक्का उठाला फिर से हेड आ गया, तो ये आपका 50% चांसेस था, इसका आपका 50% चांसेस था। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले केस में, 0.50 into 0.50 करते हैं, तो आप हमारे टोटल जो चांसेस बनी वो कितनी बनी, 0.25 बनी, ठीक है। अब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कंबाइंस एट लीस्ट टू सिंपल इवेंट्स ऑल्सो नोन एज कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंबाइन हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में दो कंपाउंड सिंपल इवेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक साथ, ठीक है। इसीलिए कंपाउंड भी कहा जाता है इसे, मतलब उन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन विल शो हेड्स, ये देखो इसको मिटा दो, विल शो कॉइन विल शो हेड्स वेन यू टॉस ओनली वन कॉइन इज अ सिंपल इवेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी दो सिंपल इवेंट्स को एक साथ मतलब उनको इंटू कर दें अगर, तो हमारे क्या बनते हैं, वो हमारी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बनती है, ये चीज को ध्यान में रखना। अब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंसेस फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स नोन एज कंपाउंड इवेंट्स। इस वाली डेफिनेशन लो, ये डेफिनेशन छोटी है और अच्छी भी है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज डिफर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड इवेंट, वेदर इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है। ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों एक साथ हैं या नहीं है,
क्या होता है हमारे इसमें, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो दोनों एक साथ मिलके एक नए तरीके का अपना बनाते हैं। किस तरीके से, देखो आपका हेड आया, ठीक है, आपका फिर से हेड आया, आपका फिर से हेड आया, आपका फिर से हेड आया, आपके इसमें चांसेस 0.50, हर बार 0.50 रहेंगी हेड आने के चांसेस, है ना, ये कभी नहीं बदल सकता। लेकिन आप जब हमको कंपाउंड अपनी प्रोबेबिलिटी बनानी, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.50 × 0.50 × 0.50 × 0.50, तो ये कितना हो गया हमारा, देखो 5525, 5525, तो ये हमारा 0.00 करके 625, इस तरीके से हमारा कुछ बनता है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, पॉइंट पॉइंट नहीं लगेगा, फिर 0-0 लग जाएंगे इतना, ठीक है। 25 इसका होता है, 25 इसका हुआ, 25 × 25 625 होता है ना, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया ये, ठीक है, 625, ठीक है, समझ में आया, हाँ आज की क्लास समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग कल अपनी नेक्स्ट क्लास में बेस थ्योरम पढ़ेंगे, बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन और बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरम है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे से मेथड भी बता दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे और आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दूसरों से तो शेयर कीजिए, बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोग के लिए किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है, JSO AAO और इंग्लिश मेंस का, ठीक है। आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, और हम कोई भी सजेशन वगैरह आपको देना चाहते हैं तो हमको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी टाइम पे इसी क्लास में।